हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। अपने टॉपिक पे आऊँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। आज का जो मेरा वीडियो है वो है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज। बहुत टाइम पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या है। तो जैसा कि मैं अपने किसी भी वीडियो में या हमेशा बोलता हूँ कि एक थंब रूल है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर 10 बार आप रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज, तो उसको अगर हम थोड़ा सा उसको डीप में जाएंगे और उसको थोड़ा सा हम इनलार्ज करेंगे, थोड़ा सा उसको जस्ट स्प्रेड करेंगे तो पता चलेगा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड दैट मीन्स क्या है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें किस तरह का पोटेंशियलिटी है, खतरा है होने का, और वो पोटेंशियलिटी जब लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होने के बाद क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या बीमारी हो सकती है, उसको हम डिजीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा कोई एक्टिविटी लेते हैं उसके अनुसार, जैसे कि वेल्डिंग है। वेल्डिंग को अगर हम कोई भी मानते हैं कि जो वेल्डिंग एक्टिविटी है, वेल्डिंग में जो हैजार्ड इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। जैसे वेल्डिंग करते हैं तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, फायर हो सकता है, लाइटिंग का हो सकता है, तो ये क्या है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। लेकिन वेल्डिंग करते करते लॉन्ग टाइम एक्सपोजर कुछ दिनों के बाद हमको क्या बीमारी हो सकती है, उससे हमको बोलते हैं उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज। जैसे कि वेल्डिंग करते हैं जो उसका फ्यूम उड़ता है और वो हमको क्या करता है, इनहेल करते हैं तो लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है, या उसका लाइटिंग पे हमेशा देखते रहते हैं तो लॉन्ग टाइम कुछ दिनों के बाद आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो उसको अगर थोड़ा सा सिंपल सा पोटेंशियलिटी टू हार्म, जो हम काम कर रहे हैं उस काम में पोटेंशियलिटी टू हार्म है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। एंड उस काम करते 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 लॉन्ग टाइम अगर कोई एक्सपोजर होता है उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो यही थोड़ा सा आज का टॉपिक मैं आपको समझाने के लिए लिया था। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।